बरकत वाला संदूक नाजिल किया गया था, एक ऐसा बक्सा भेजा गया था जो मोमिनों के दिलों को सुकून और आराम देता था। ये ऐसा ताकतवर संदूक था कि उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस संदूक के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत और ताकत रखी थी कि जिस कौम के पास ये होता वो हमेशा जीतती और बाकी कौमें हार मान लेती। इस संदूक के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं सब्सक्राइब कर दूंगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है आज की। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे ताबूत सकीना। ताबूत सकीना दोस्तों ऐसा संदूक है जिसके लिए, जिसको पाने के लिए लोग पूरी दुनिया बेकरार है, मतलब उसको हासिल करना चाहती है। ताबूत सकीना जिसके पास भी होता था वो समझ दुनिया की सबसे ताकतवर कौम और वो जीत जाती थी, ऐसा इस वीडियो में बताया गया है। और दुनिया की इस टाइम सबसे ताकतवर कौम है यहूदी कहा जाता है, वो ताबूत सकीना हासिल करना चाहती है ताकि उनका जो मसीहा जिसको मानते हैं काला दज्जाल, उसके आने से पहले ताबूत सकीना हासिल कर लें। और उनका ये मानना है कि ताबूत सकीना मस्जिद अल अक्सा के नीचे दफन है, इसीलिए वो मस्जिद अल अक्सा को शहीद करना चाहते हैं ताकि वो ताबूत सकीना हमें मिल जाए। तो आइए हम इस वीडियो के जरिए से ये जानने की कोशिश करेंगे ताबूत सकीना आखिर उसका पूरा मामला, पूरा इतिहास क्या है और क्या हकीकत है कि वो किसके पास है, किसके पास नहीं है, ये दुनिया में किस जगह मौजूद है। अलग अलग रवायतों में अलग अलग बात बताई गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो जरिए से। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और जो भी हज़ार में चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बरकत वाला संदूक नाजिल किया गया था, एक ऐसा बक्सा भेजा गया था जो मोमिनों के दिलों को सुकून और आराम देता था। ये ऐसा ताकतवर संदूक था कि उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस संदूक के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत और ताकत रखी थी कि जिस कौम के पास ये होता वो हमेशा जीतती और बाकी कौमें हार मान लेती। इस संदूक के साथ रहने वाली कौम इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी विजेता कौम रही। दोस्तों ये ऐसा करामाती चमत्कारी संदूक है कि जिसे भी ये मिल जाए वो पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है और जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम यहूदी कौम पागल हो रही है। और दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद भी ये कौम इस संदूक को हासिल क्यों करना चाहती है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उस संदूक के बारे में बताएंगे कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर और सुपर पावर संदूक है और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से किया है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इस ताबूत को किस चीज से बनाया गया और इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस ताबूत को हासिल करना चाहती है? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है और आखिरकार ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। मेरे दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से बहुत सारी चीजें जमीन पर उतारी, इन्हीं चीजों में से एक ताबूत सकीना भी था। इस तरह सबसे पहले ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया और ये ताबूत जन्नत से उतारा गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। इस ताबूत सकीना को शमशाद की लकड़ी से बनाया गया और ये ताबूत एक संदूक की शक्ल में था। ताबूत सकीना को ताबूत सकीना इस वजह से कहा जाता है कि इस ताबूत के जरिए अल्लाह ताला मोमिनीन के दिलों को चैन और सुकून अता फरमाता था, लिहाजा इसी सुकून और करार की वजह से इस बक्से का नाम ताबूत सकीना रखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी ही में इस ताबूत को अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दर्जा उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को मिलने वाला था। लिहाजा इस वजह से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये ताबूत हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। दोस्तों इस तरह हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाता और जिसको भी नबूवत के दर्जे पर फाइज किया जाता तो ये ताबूत अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हीं के हवाले कर दिया जाता। इस तरह ये ताबूत सकीना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया इकराम से होते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी है कि जिनकी नस्ल में से यहूदी नस्ल की शुरुआत हुई। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत अंबिया इकराम से होता हुआ हजरत मूसा कलीमुल्लाह तक पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम और फिरौन को सही राह दिखाने के लिए भेजा था और इस तरह ये ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल कौम तक पहुंचा। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को फिरौन के जुल्मों से निजात अता फरमाई तो ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सहराए सीना में पहुंची और अपनी नाफरमानी और गलतियों की वजह से ये कौम कई सालों तक सहराए सीना में भटकती रही। तो अल्लाह ताला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर अपनी इबादत के लिए एक खेमा तैयार किया और इस ताबूत सकीना को उसी खेमे के अंदर रखा गया जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर एक इमारत तामीर कराई।
जिसको हैकले सुलेमानी कहा जाता है। इस तरह हैकले सुलेमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई, जिस तामीर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में मुकम्मल करवाया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसी जगह पर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया था। हैकले सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से की गई, जिसके अंदर बहुत कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और हैकले सुलेमानी की दीवारें सोने चांदी की तख्तियां की थी। इस हैकले सुलेमानी के अंदर जिस जगह पर ताबूत सकीना को रखा गया उसका नाम अल कुद्स था। कई हजार साल तक यहूदियों और कौमे बनी इसराइल के पास रहा, और चूंकि इसका रिश्ता कई पैगम्बरों से था, इसी वजह से इसे बहुत खास और बरकत वाला ताबूत माना जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ताबूत सकीना में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बनी इसराइल की कौम हर जंग में जीतती और दुश्मनों पर हावी हो जाती थी। तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि ताबूत सकीना क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला एक खास संदूक यानी बक्सा था, और इस ताबूत के अंदर कई पैगंबरों की मुकद्दस निशानियां तबरुकात भी रखी हुई थी, जैसा कि लौहे कुरानी और तौरात शरीफ की तख्तिया के टुकड़े, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी मुबारक, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मनोसलवा, और इसके अलावा दूसरी बहुत सारी ऐसी निशानियां और तबरुकात कि जिनको अंबिया इकराम से खास रिश्ता और जुड़ाव था, वो निशानियां और तबरुकात इस संदूक के अंदर मौजूद थे। लिहाजा इसी वजह से यह संदूक बहुत ही ज्यादा बरकत वाला संदूक था। रिवायत में आता है कि जब कौमे बनी इसराइल बड़ी बड़ी फौजों से जंग करती और वो लोग तादाद में इनसे कई ज्यादा होते, और उनकी बड़ी बड़ी फौजों को देखकर कौमे बनी इसराइल डर जाती और उनके दिलों पर डर सवार हो जाता, तो उस वक्त कौमे बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने सामने रखते और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते। इस दुआ के बाद ताबूत सकीना से ऐसी बरकतों और रहमतों का नुजूल होता कि जिसकी बरकत से कौमे बनी इसराइल के दिल पहाड़ जैसे मजबूत हो जाते और इनके दिलों से अल्लाह ताला के हुक्म से दुश्मनों का डर निकल जाता, और इस तरह ये दुश्मनों पर हावी हो जाते। इस तरह अल्लाह ताला ताबूत सकीना के जरिए कौमे बनी इसराइल के दिलों को सुकून और करार अता फरमाता, और ये कौम हर मैदान में जीतती रहती। और अगर इस कौम पर कोई मुसीबत या परेशानी नाजिल होती या इस कौम पर कोई मुसीबत या मुश्किल आ जाती तो ये लोग ताबूत सकीना को अपने सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ करते, तो अल्लाह ताला ताबूत सकीना की बरकत से उनकी मुसीबत या परेशानी को दूर कर देता, और इस तरह कौम बनी इसराइल की हर दुआ ताबूत सकीना की बरकत से अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती। दोस्तों, जब तक ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास रहा, यह कौम दूसरी कौमों पर हावी रही और कोई दुश्मन इस कौम को हरा नहीं सकता था, और ताबूत सकीना की बरकत से बनी इसराइल की कौम को पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम मिला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इन सब नेमतों के बावजूद यहूदी और बनी इसराइल की कौम बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगती थी, और अल्लाह ताला की नियमतों को भूलकर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगती। कौमे बनी इसराइल कितनी बदबख्त थी इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कौमे बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम को भेजा, लेकिन हर नबी के जमाने में इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला के अंबिया इकराम को झूठा कहा और अल्लाह ताला की हदों को तोड़ा और माज़ अल्लाह अंबिया इकराम को कत्ल तक कर दिया। आखिरकार जब ये कौम हिदायत यानी सही रास्ते पर आने के काबिल ना रही तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब इन पर मुसल्लत कर दिया गया, और कौमे अमालका के सरदारों ने कौमे बनी इसराइल पर हमला कर दिया, और कौमे अमालका ने कौमे बनी इसराइल का कत्ले आम किया और इनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, इनके घरों को जला दिया और ताबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गए। लेकिन कौमे अमालका ने भी ताबूत सकीना की बेहुर्मती की और ताबूत सकीना को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। जब कौमे अमालका ने ताबूत सकीना की बेअदबी की तो अल्लाह ताला ने उन पर भी अपना दर्दनाक अजाब भेजा। अल्लाह ने इस कौम को कई तरह की बीमारियों में डाल दिया जिसकी वजह से कौमे अमालका के लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। अल्लाह ताला के इस अजाब के अंदर कौमे अमालका के 5 बड़े बड़े शहर खत्म हो गए, और कौमे अमालका के वो लोग जो अभी तक इस अजाब से बचे हुए थे, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला का ये अजाब ताबूत सकीना की बेहुर्मती की वजह से हम पर नाजिल हुआ है, लिहाजा इन काफिरों ने अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए ताबूत सकीना को निजासत की जगह से उठाया और ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने उस बैलगाड़ी पर अपने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया, तो वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ताबूत सकीना को उठाकर उस जमाने के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को मिला तो एक बार फिर ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास आ गया, और इस तरह कौम बनी इसराइल का खोया हुआ वकार, खोई हुई इज्जत एक बार फिर से लौट आई। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौम थी जो हर नबी के जमाने में अल्लाह ताला की नाफरमान साबित हुई, लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की कौम फिर से अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी। इस तरह जब ये कौम फिर से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब फिर से इस कौम पर नाजिल हो गया, और एक जाबिर और जालिम बादशाह की जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है। प्यारे दोस्तों, बख्त नसर बादशाह अल्लाह ताला का कहर बनकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। चुनांचे बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया जहाँ पर यहूदी कौम आबाद थी, और यहूदियों को चुन चुन कर उनका कत्लेआम किया
इस तरह जब बख्ते नसर ने यहूदियों के शहर पर हमला किया और उनके शहर को तहस नहस कर दिया, तो इस जंग और कत्लो गारत के अंदर ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। इस तरह इस जंग के बाद ताबूत सकीना को किसी का कुछ पता ना चला कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ चला गया, और ये यहूदी कौम उस वक्त से लेकर आज तक उस ताबूत सकीना को तलाश कर रही है ताकि यहूदी कौम ताबूत सकीना को हासिल करके दोबारा से अपना खोया हुआ वकार पाले और उस ताबूत सकीना की बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके और ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन जाए। इसी वजह से आज के इस जमाने में यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने की हर कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए उनको कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। दोस्तों अब बात करते हैं कि ताबूत सकीना आखिर कहां पर है और ये आखिरी जमाने में किसको मिलेगा, इसके बारे में अलग अलग रिवायत मिलती है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, इसी वजह से यहूदी लोग ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। यहूदी ये जानते हैं कि अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले पहले वो ताबूत सकीना को हासिल कर ले ताकि उसकी बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके। और कुछ लोगों का यह मानना है कि ताबूत सकीना अरब के किसी मुल्क के अंदर मौजूद है और कुछ रिवायत के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कुर्बे कयामत में इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो ये ताबूत सकीना उनके पास होगा और उसी ताबूत सकीना की बरकत से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। मेरे दोस्तों हकीकत यह है कि ताबूत सकीना कहां पर है इसके बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है और कयामत में ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा ये भी अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा ताबूत सकीना। दोस्तों ऐसी बरकत वाला संदूक है वो समझिए, वो हमारे जो उलमा फरमाते हैं वो इंशाल्लाह ने चाहा तो वो मेहंदी अलैहिस्सलाम को मिलेगा जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। बाकी ताबूत सकीना कहाँ है ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जाने ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ होगा। वो अपने अपने लोगों ने जो बता रखा वो मस्जिद अल-अक्सा के नीचे है, किसी ने कहा सऊदी अरब की तरफ है या जिसने जो मर्जी या कह दिया, लेकिन ताबूत सकीना सिवा अल्लाह का कोई नहीं जानता और अल्लाह ही बेहतर जाने वो ताबूत सकीना हज़रत मेहंदी अलैहिस्सलाम को मिलेगा या वो इस वक्त कहाँ है अल्लाह बेहतर जाने। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।